रिकॉर्ड हाई से सोना 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है और जानकारों के मुताबिक सोने के भाव अभी और नीचे आ सकते हैं। वैक्सीनेशन की फुल स्पीड और इकोनॉमी में शानदार रिकवरी के संकेतों ने सोने पर दबाव बनाया है। इसके अलावा यूएस फेड की उम्मीद से पहले दरें बढ़ाने के संकेत, डॉलर में तेजी और चीन का एवरग्रांड संकट टलने समेत कई ट्रिगर हैं जो गोल्ड पर दबाव बना रहे हैं। एक साल में सोने की चाल पर नजर डालें तो अगस्त 2020 में सोने की कीमत 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि सितंबर 2021 में सोने की कीमत 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने में गिरावट की बड़ी वजह यह भी है कि डॉलर इंडेक्स एक महीने के हाई पर पहुंचा है। यूएस फेड ने उम्मीद से पहले दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। फेड 2022 मध्य तक पैकेज खत्म कर सकता है। वहीं वैक्सीनेशन में तेजी, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत नजर आ रहे हैं। इस बीच चीन का एवरग्रांड संकट टलने से भी इसमें दबाव बना है। फेस्टिवल सीजन में सोने में बड़ी गिरावट आई है। सोना 6 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसला है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1,750 के लेवल के करीब है, जबकि MCX पर 46,000 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। SPDR गोल्ड ETF होल्डिंग 8.1 टन घटी है। गुरुवार को होल्डिंग 0.8% घटकर 992.65 टन पर रही थी। सोने का भाव रिकॉर्ड हाई से करीब 20% नीचे पहुंच चुका है। 7 अगस्त 2020 को 56,191 का सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया था। इस बीच हॉलमार्किंग पर नया विरोध खड़ा हो गया है। हॉलमार्किंग सेंटर्स ने एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है। हॉलमार्किंग सेंटर 28 सितंबर को हड़ताल पर जाएंगे। हॉलमार्किंग फीस बढ़ाकर ₹60 प्रति पीस करने की मांग कर रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि सरकार की अनिवार्य हॉलमार्किंग पर नीतियां साफ नहीं हैं। हॉलमार्किंग सेंटर्स सरकार के नए SOP के खिलाफ हैं। बिना स्टेक होल्डर से सलाह लिए SOP जारी किया है। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चित काल हड़ताल की धमकी भी दी है। ज्वेलर्स को भी हॉलमार्किंग करने की मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।